दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद ही कम उम्र में सफलता का मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली मूवी गांगुबाई काठियावाड़ी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई हैं। वहीं इनकी सुर्खियों में रहने की दूसरी वजह रणबीर कपूर के साथ इनकी शादी भी है, जिनके साथ इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वेल, अपने होने वाले हस्बैंड रणबीर कपूर के साथ साथ ये अपने होने वाली सासू मां नीतू कपूर के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। तभी तो नीतू कपूर ने अपनी होने वाली बहू आलिया भट्ट का हमेशा से पूरा सपोर्ट किया है और उनकी सभी फिल्मों को भी प्यार दिया है। बस आलिया भट्ट की चार फिल्मों को छोड़कर, जी हां, नीतू कपूर अपनी होने वाली बहू आलिया भट्ट की चार फिल्मों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। और आज हम आपको इनकी उन्हीं चार फिल्मों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, शानदार। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है फिल्म शानदार का, जिसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ अभिनेता शाहिद कपूर भी नजर आए थे। और इस फिल्म में अभिनेत्री आलिया भट्ट की एक्टिंग भी अच्छी थी, पर इसके बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप साबित हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी होने वाली सासू मां नीतू कपूर इनकी शानदार फिल्म को देखना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इनकी होने वाली बहू की एक भी फिल्म फ्लॉप साबित हो। नंबर दो, गली बॉय। साल 2019 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म गली बॉय में अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ अभिनेता रणवीर सिंह और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी नजर आए थे और ये फिल्म हिट भी साबित हुई थी। पर इसके बावजूद भी इनकी होने वाली सासू मां नीतू कपूर इनकी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इस फिल्म में अभिनेत्री आलिया भट्ट लोकल लैंग्वेज यूज करती हैं, जो कि इनकी होने वाली सासू मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर थ्री, टू स्टेट्स। साल 2014 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म टू स्टेट एक रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी, जिसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री अमृता सिंह भी नजर आई थी और ये फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई थी। पर इसके बावजूद भी आलिया भट्ट की होने वाली सासू मां नीतू कपूर इनकी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ अभिनेत्री आलिया भट्ट के काफी ज्यादा किसिंग सीन होते हैं और यही वजह है कि इनकी सासू मां इनकी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती हैं। नंबर फोर, उड़ता पंजाब। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में बात करते हैं फिल्म उड़ता पंजाब के बारे में, जिसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेता दिलजीत दोसंझ जैसे कई दमदार कलाकार नजर आए थे और ये फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई थी। पर इसके बावजूद भी आलिया भट्ट की होने वाली सासू मां नीतू कपूर इनकी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इस फिल्म में अभिनेत्री आलिया भट्ट का लुक अच्छा नहीं लगा था और यही वजह है कि इनकी होने वाली सासू मां इनकी फिल्म उड़ता पंजाब को देखना पसंद नहीं करती है। तो दोस्तों, आलिया भट्ट की इन चार फिल्मों में से आपको इनकी कौन सी फिल्म देखना पसंद नहीं है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।